सो गाइस अब ट्राई करते हैं थोड़ी फोटोग्राफी। हमारी मॉडल आ चुकी है, मॉडल से मिलो। ये देखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वो इतना तगड़ा ब्लर हुआ है ना। जय श्री राम मॉडल फिर चाल चाल है सर। बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब देख चुके। सो गाइस बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है इसके चक्कर में मॉर्निंग से व्लॉग नहीं कर पाया हूँ। सही बोल रहा है, कब बंद होगा भाई? बंद का तो पता नहीं, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि अच्छी चीज हो रही है। नवरात्र स्टार्ट हो गया आज, और नवरात्रों का पहला दिन है। सो कीर्तन हो रहा, मम्मी वहीं पे बैठी हुई हैं। तो इस चक्कर में मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। बाहर कहीं जाने का कोई सीन नहीं था, मैं लास्ट में स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि यार ब्लॉग मिस हो जाता फिर। और एक बचपन की ट्रिक बताता हूँ जो सभी तब मैं करते थे, वे फोड़ के दिखाया। सबसे पहले ऐसे पेपर लिया। तो गाइस देखिए, आप पहले पेपर को ऐसे ऐसे खींचिए, उसके बाद इसको बड़े प्यार से लगाइए ऐसे, उसके बाद ये तो पोपट हो गया। अब मैं बताता हूँ, ऐसे आपको नहीं करना है पहले। अच्छा अब समझा, ऐसे आपको ठीक है, समझ गया। दूसरी तरफ से लीजिए, फिर इसको बड़े प्यार से लगाइए, ऐसे लगाइए कि मतलब बिल्कुल भी जगह ना बचे, एयर टाइट होगा। वो काफी टैलेंटेड है सब। गाइस कीर्तन दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। कीर्तन गाइस छत पे हो रहा है लेकिन आवाज यहाँ तक आ रही है। नीचे बैठे बैठे बोर हो गए थे तो मैं और सविता आ गए हैं छत पे। छत पे ही घूमते हैं, शाम भी हो चुकी है। सो गाइस वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको गाजीपुर का, वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो देख रहा होगा साइड से काटा जा रहा है। सर कितना टाइम लग सकता है इसको काटने में? टू और थ्री इयर्स। दो साल लग जाएंगे? अबे एक महीने के अंदर कर दिया इतना। दिखाता हूँ गाइस कितना काट दिया है। अरे मुझे तो लगता है एक साल में ख़त्म हो जाएगा। इस साइड से राइट हैंड साइड से काट के हटा रहे हैं, पहले लेफ्ट जितना ही। अरे लेफ्ट जितना ही ऊंचा था इसकी तरह ये वाला, इसको यहाँ से काट दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ से। छत पे हो रहा है कीर्तन और प्रसाद भी मिल रहा है। सो गाइस चलते हैं वापस थोड़ी देर में नीचे, क्योंकि सभी तो भी चला गया, उसके पापा ने बुला लिया था। अभी चलते थोड़ी देर हवा हवा खाते, हवा तो मस्त है, झंडे देख के आपको पता लग रहा होगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सुबह नीचे तो आ चुका था और अभी जाके लाइट आई है तो वीडियो ऑन कर लिया। और गाइस देखो लाइट कट जाती है, इन्वर्टर खराब हो रखा है हमारा। कल इन्वर्टर खराब हुआ, अब एक दो दिन में देखे रिप्लेस करेंगे, अभी सही करवाना पड़ेगा। तो मैंने क्या जुगाड़ जलाया था, ये पुराना दीप रखा हुआ था, ये जला रखा था, उससे लाइट हो रही थी। उससे लाइट कितनी हो रही थी दिखा दो, लाइट बंद करता हूँ। इस कैमरे में उतना दिख रहा लेकिन लमसम सही रोशनी हो गई थी। तो इन्वर्टर सही करवाना पड़ेगा। और ये मम्मी कीर्तन में से प्रसाद लेके आई है, पूजा वो हो रही थी इसलिए आवाज़ आ रही। तो प्रसाद वगैरह खाते हैं, उसका देखते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मम्मी और पापा का तो फास्ट है, तो सिर्फ मेरे लिए खाना बनेगा, मैंने नहीं रखा फास्ट। मम्मी ने तो अपने लिए मखाना फ्राई किया घी में, और खीर बनाएंगे रात में खाने के लिए। और मैं भी देखता हूँ, मैं भी वही खा लूँगा क्योंकि मम्मी को फिर दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे लिए नमक वाला। उसको कहीं बाहर जाने का सोचा था लेकिन प्लान पे पूरी तरह से पानी बारिश फिर चुकी है, क्योंकि बारिश होने लगी है तेज। तो मैं और सभी सोच रहे थे बाहर पार्क वगैरह घूम के आएंगे, लेकिन नहीं जा पाएंगे अब, बारिश आ गई है। तो भाई मैंने कैमरा निकाला है, ये कैमरा जब से लेके आया तो कोई यूज़ हुआ ही नहीं इसका। मतलब मैंने रील वगैरह के लिए सोचा था, शूट वगैरह करूँगा, रील अच्छी क्वालिटी में शूट होगा, लेकिन यार मगज में बैठ नहीं रहा। तो उसको ट्राई वगैरह करते हैं थोड़ा, फोटो खींच के दिखाता हूँ।
बस फ्लैश ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे फोटो आते हैं। घर के अंदर तो फ्लैश यूज ही करो तभी अच्छी फोटो आती है। मस्त फोटो आई है। ये हुई ना बात का, जो ये है इसको हम घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस अब ट्राई करते हैं थोड़ी फोटोग्राफी। हमारी मॉडल आ चुकी है, मॉडल से मिलो। ये देखो, ये हमारी मॉडल, इसकी फोटोग्राफी करते हैं। देखो तो कैसी होती है फोटोग्राफी। देखो कैसी आई है। ये वाली फोटो देखो जो अब मैंने ली है, पीछे का ब्लर देखना, खतरनाक फोटो ली है मैंने। फोटोग्राफर ही हूँ मैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी फोटोग्राफर ही बन जाता हूँ, इतनी कमाल की फोटो खींचता हूँ मैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लूँ, मतलब वही चैनल, अरे अकाउंट बना लूँ इंस्टाग्राम पे, और उस पर ऐसे DSLR की फ़ोटो खींच खींच के डालूँ। देखो मैंने कितना बढ़िया सेटअप किया है, अभी यहाँ पे लगा दिए इसके ऊपर, और इतनी मस्त फ़ोटो आई है, अभी दिखाता हूँ। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वो इतना तगड़ा ब्लर हुआ है ना। वो हमारी कोई फोटो लेने वाले तो है नहीं, तो खुद से लेते हैं सेल्फी, देखते हैं कैसी होती है। फोटो तो सही है, नाइस। चलते हैं बाहर, करते हैं लोगों का शूट। सो गाइस फोटो तो मस्त आ रही है बाहर भी, तो इसका फोटो शूट करते हैं। बस गाइस आज के लिए बहुत हो गई फोटोग्राफी, अब कल करेंगे, अब कल करते हैं कंटिन्यू फोटोग्राफी। सो आज हमारे पास खाने में क्या है, नॉर्मल खाना नहीं है जो मम्मी ने व्रत वगैरह के लिए बनाया था। ये है वो मखाने की खीर, और ये आलू फ्राई कर रखे हैं घी में, इसमें मैंने नमक डाल लिया है। मेरा बिना नमक के बनाया था लेकिन मैंने नमक डाल लिया अपने लिए, तो मैं भी फास्ट रख सकता था आज, लेकिन स्टार्टिंग में याद नहीं आया। सुबह खा लिया था मैंने चाय बिस्किट, तो मुझे याद ही नहीं। तो खाते हैं। तो ये साबुदाने की खीर है, इसमें मखाना पीस के डाल रखा है, तभी ऐसा कलर आया है। ये तो काफ़ी टेस्टी है, आलू भी मस्त है, क्रिस्पी क्रिस्पी, मस्त कॉम्बिनेशन। मुझे तो फास्ट की सबसे बढ़िया चीज़ रहती है ये, जो आलू फ्राई करके खाते हैं ना, ये मस्त लगता है। मम्मी कभी फास्ट रखती है तो मैं यही खाता हूँ, मस्त लगता है। सो गाइस खाना पीना खा लिया है, अब थोड़ी देर में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ते पढ़ते क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं हमारे, किताबें निकालनी पड़ेगी, पढ़ते पढ़ते उसके बाद सोएंगे। सो गाइस नोट्स लेके आया था मैं, यही पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आने लगी है नींद, सो ठीक ठाक ही पढ़ ली हमने।
सो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को छोटी और प्यारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल। कल कहीं बाहर जाएंगे तो अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।